हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर के साथ आपका। और यहाँ आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, वो है आपका क्लास 10 का, कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का, वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसको हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन भी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन। ठीक, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं और उनको संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक, और आप जानते हो कि बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, जब ही वो संतुलित मानी जाती है। वो संतुलन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि आपका बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ जो होगा वो द्रव्यमान समान रहना चाहिए। यानी अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। द्रव्यमान न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। तो दोनों तरफ द्रव्यमान क्या रहना चाहिए, समान। इसलिए हमें संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो बच्चों, एक अभिक्रिया हम देखते हैं। जैसे हम पहले वर्ड इक्वेशन बनाते हैं, ठीक, कि आयरन प्लस, यहां पर देखिए, आयरन प्लस जलवाष्प की अभिक्रिया करते हैं हम। तो जल, इसके बाद जो बनता है वो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो कि आयरन का सूत्र आप जानते हो, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया आपने। तो आयरन हो गया Fe, ठीक, प्लस जल वाष्प, जल की वाष्प है तो वो जल ही रहेगा, बदलेगा थोड़ी। तो ये हो गया H2O। ठीक, अब आप जल का जो सूत्र वही जल वाष्प का ही सूत्र रहेगा, वाटर वेपर। आयरन ऑक्साइड, इसमें जो बनता है बच्चों, ये एक मिश्रित ऑक्साइड बनता है, वो है Fe3O4। Fe3O4 बनेगा इसमें, ठीक, और प्लस हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन गैस का ये होता है। अब देखिए कि ये जो समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण बन गया, लेकिन ये अभी संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परमाणु देखो संतुलित कैसे, कि ये संतुलित है या नहीं ये देखने के लिए। यहां देखो बच्चों, यहां कितना है, इसके आगे कितना लग रहा है, एक मानते हैं। जब कुछ भी नहीं होता तो कितना मानते हैं, एक, क्यों, कुछ भी नहीं है। और यहां Fe कितने हैं, 3। तो क्या यहां पर Fe कितना है, 3, और यहां पर कितना है, एक। क्या ये संतुलित है, नहीं। यहां ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के आगे नीचे जो लग रहा है ये कितना है, 4। और यहां पर ऑक्सीजन देखिए, यहां कुछ है नहीं है, यहां भी कुछ है नहीं है, तो ये कितना माना जाएगा, 1। तो क्या ये संतुलित है, नहीं। तो अब इसको संतुलित करते हैं, यानी बैलेंस करते हैं, बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो अब देखिए ये इसको संतुलित करने के लिए देखते हैं, कुछ स्टेप फॉलो करो। ठीक, जैसे यहां सबसे पहले इसी को देखते हैं, Fe से ही शुरुआत हो रही है, तो यहां 3 है तो यहां 3 कर दो, आगे लगाना है, यहां नहीं लगाना, आगे लगाना है, तो 3Fe प्लस, आगे देखिए 3Fe के बाद फिर यहां ऑक्सीजन कितना है, 4, या तो एक एक करके कर लीजिए या फिर एक ही एक बार में ही कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हो। ठीक, तो देखिए अभी हमने Fe कर लिया बैलेंस संतुलित, तो यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 1, और यहां है 4। तो क्या करेंगे बच्चों, कि यहां आप ऐसा कीजिए H2O, यहां 4 ऑक्सीजन है, तो 4 के लिए यहां पर नहीं करोगे आप,
फॉर्मूला आपका जो सूत्र है वो नहीं बदलना चाहिए, आप आगे लिख सकते हो यानी चार। ठीक, अब देखिए यहां पर Fe3O4 प्लस, अब हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन बच्चों, हाइड्रोजन में क्या है, देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, चार की गुणा करने पर, चार दुनी आठ यानी 4 2 8, इसके इसमें गुणा करके देखते हैं। ठीक, तो 4 2 8, ठीक, तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहां, आठ, चार दुनी आठ हो गए, और यहां हाइड्रोजन कितना है, दो केवल। तो अब इसको कैसे बदल सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का सूत्र नहीं बदलना चाहिए। ठीक, आपको याद रहना चाहिए हाइड्रोजन गैस का सूत्र नहीं बदलोगे तो यहां पर क्या हो गया, इसको दो को आपको आठ बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर H2 है, दो की गुणा किस में करें कि आठ हो जाए, चार, तो चार का मतलब चार कहां लगाओगे आप, चार आगे लगाएंगे, संतुलित हो गई। तो ये है अभिक्रिया। अब देखिए सब को चेक कर लीजिए, अब आप दोनों तरफ देखिए, ये है बाई तरफ, इनको बोलते हैं हम क्या, पहले भी बताया था बच्चों, अभिकारक, और इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को उत्पाद। ठीक, ये हो गया रिएक्टेंट, और ये हो गया प्रोडक्ट, समझ में आ गया। दोनों तरफ चेक कर सकते हैं आप, Fe कितना है इसमें, तीन, इधर Fe कितना है, तीन, हाइड्रोजन कितना है, आठ, हाइड्रोजन कितना है, आठ, ऑक्सीजन कितना है बच्चों, ऑक्सीजन है, देखिए यहां एक मानते हैं, जब कुछ भी नहीं होता तो क्या मानते हैं, एक, तो फोर बन जा फोर, चार एकन चार, तो यहां ऑक्सीजन कितना हो गया, चार, और यहां पे ऑक्सीजन कितना हो गया, चार बच्चों। ठीक है, तो तीनों चीजें क्या है, संतुलित है। इसके अलावा अगर हम यहां पे ठोस अवस्था है और ये गैस अवस्था है, जल वाष्प है, ये जो बनता है ये किस में बनता है बच्चों, ये बनता है बोलो ठोस में, और ये बनता है किस में, गैस में। इसके साथ साथ आप इनकी जो भौतिक अवस्थाएं उनको भी दिखा सकते हो। तो बच्चों इसको, इस अभिक्रिया को आप प्रैक्टिस कीजिए ढंग से, और भी हम दे रहे हैं, अगले वीडियो में आपको इसके बारे में समझाएंगे। धन्यवाद।